हमारे साथ सीमापुरी के विधायक रायन गौतम जी हैं, जो पेशे से वकील भी हैं और इस पूरे घटनाक्रम से शुरू से जुड़े रहे। मैं बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि दिल्ली जो देश की राजधानी है, जहां देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, पूरी कैबिनेट बैठती है, उस जगह पे एक गरीब लड़के को दिन दहाड़े बिना किसी कारण के उसको उठाया जाता है और उठाने के बाद उसके साथ जिस तरीके का अमानवीय व्यवहार होता है, उसकी पत्नी के साथ जिस तरीके का अमानवीय व्यवहार होता है, उसके छोटा सा बच्चा था और उसके बाद उस बच्चे की, उस लड़के की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद भी 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है, अभी तक किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और आम आदमी पार्टी के किसी भी आदमी के खिलाफ जरा सी कंप्लेन हो जाए तो ये दिल्ली शहर के अंदर जो मोदी जी की पुलिस है फौरन एक्टिव हो जाती है। पूरे घटनाक्रम का 5 से ज़्यादा मिनट का वीडियो अवेलेबल है, 1-2 TV चैनल्स के सामने पूरा घटनाक्रम हुआ है, किस तरीके से ज़बरदस्ती उस लड़के को उठा के गाड़ी के अंदर जानवरों की तरीके से भरा गया है, उसकी पत्नी लगातार गिड़गिड़ा रही है, लगातार रो रही है, उसके छोटा सा बच्चा है और वो लड़का बार बार कह रहा है, अगर उस वीडियो को अगर आप लोगों ने देखा होगा, कि ये लोग मुझे मार देंगे, ये लोग जान से मुझे मार देंगे, ये बात उस वीडियो में पूरी तरीके से स्पष्ट तौर पर सुनाई पड़ रही। यानी उस लड़के को इस बात का अंदेशा था कि पुलिस उसकी जान लेने पर आमादा है। लेकिन मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि अभी तक मुझे उम्मीद थी कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर साहब इस मामले को प्रॉम्प्टली लेंगे और लेने के बाद अब तक कोई ना कोई कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बजाय कार्रवाई होने के पूरे मामले की लीपापोती की जा रही है, उन पुलिस वालों को बचाने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ मीडिया के एक तबके के माध्यम से खबर को दबाने और अलग रंग देने की कोशिश की जा रही है। मैं फिर स्पष्ट कर दूं कि आम आदमी पार्टी मीडिया के खिलाफ कतई नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस के लोग अखबार के अंदर और टीवी चैनल्स के अंदर गलत सूचनाएं प्लांट करा रहे हैं, गलत रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने आप पे निंदनीय है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी इस पूरे घटनाक्रम पे दिल्ली की सरकार से और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से ये उम्मीद करती है, ये अपील करती है कि इस पूरे घटनाक्रम की विस्तृत तरीके से जांच होनी चाहिए, उन पुलिस वालों के खिलाफ फौरन FIR दर्ज होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और साथ ही साथ अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो दिल्ली के अंदर बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि पुलिस किस तरीके से और किस अंदाज में काम कर रही है। आम आदमी पार्टी कुछ दिन इंतजार करेगी और अगर इसमें कार्रवाई नहीं हुई तो हम इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाएंगे और उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो हम अदालत का भी दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि यह मसला दिन दहाड़े मीडिया के सामने वीडियो आने के बाद भी एक गरीब आदमी को अगर ज़बरदस्ती बिना कारण गाड़ी में बिठाया जाएगा, उसके साथ मारपिटाई होगी और उसकी मृत्यु होगी और दिल्ली पुलिस चुपचाप बैठी रहेगी, कोई कार्रवाई नहीं करेगी, तो आम आदमी पार्टी चुपचाप नहीं बैठेगी। हमारे साथ हमारे विधायक जी हैं जो पूरे घटनाक्रम से जुड़े हुए हैं, उनके पास SDM को दी गई उस लड़की की रिपोर्ट है,
जो ये स्पष्ट करती है किस तरीके से दिल्ली की पुलिस उस महिला के ऊपर, उसकी पत्नी के ऊपर दबाव डाल रही है और बयान बदलवाने की कोशिश कर रही है। पूरी जानकारी आपको राजेंद्र जी दें, जो पेशे से वकील भी हैं। ये जो घटना है ये 7 तारीख की शाम की लगभग 4:30 बजे की है। ये लड़का शाहनवाज, जिसकी पत्नी है माँ, ये पत्नी के साथ आ रहा था मीत नगर से, और इसकी साली को डेंगू हुआ है, जो करुणा नर्सिंग होम दिलसाद कॉलोनी में एडमिट है, वो उसको देखने जा रहे थे। तो गगन हॉल के सामने टी पॉइंट पे वो हस्बैंड वाइफ पहले से थे, उनमें आपस में कोई झगड़ा होगा और वहाँ PCR की पुलिस आई थी, तो ये उनको ये उनको जानते थे। जैसे भीड़ देखी वहाँ पे गए, इन्होंने पहचाना कि ये तो उनको जानते हैं। इन्होंने पुलिस को कहा इनको क्यों ले जा रहे हो, पति पत्नी का झगड़ा आपस में निमट जाएगा। तो पुलिस ने उनसे कहा कि भाई तू यहाँ चौधरी लग रहा है क्या, ज़्यादा कानूनची बन रहा है। तो उसने कहा भी इसमें कानूनची की कोई बात नहीं है, पति पत्नी का झगड़ा है, इसमें ले जाने की थाना ले जाने की क्या ज़रूरत है। इसी बात पे कहा सुनी और पुलिस ने उसको एकदम थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारने पे उसने कहा कि आपने मेरे को थप्पड़ क्यों मारा, या आपने गलत किया है। इसी बीच एक जिप्सी और आ गए, उन्होंने उसको पहले वहाँ पे उसकी पिटाई की, पिटाई करने के बाद उसको उस जिप्सी में डाल लिया, जिप्सी में पीछे खुली वाली जिप्सी थी नीचे डाल दिया, और उस पर पीछे की तरफ टोटल 5 पुलिस वाले थे, जिसमें 4 मेल 1 फीमेल और एक इसकी पत्नी और एक ये, टोटल मिला के 7 लोग। उन्होंने जिप्सी में नीचे लिटा के 3 पुलिस वाले उसको ऊपर बैठ गए, और एक पुलिस वाला जो है वो उसको इस बीच मारता रहा। उसकी पत्नी कह भी रही थी मर जाएगा, इसको ऐसे मत मारो, उसकी पत्नी वहीं उसके जीप के अंदर, जिप्सी के अंदर ही पीछे बैठी थी, वो कह रही थी कि ये मर जाएगा, इसके ऊपर से हट जाओ, लेकिन वो नहीं माने और उनको वो बैठे रहे, और वहाँ से वो थाने लेके गए नंद नगरी थाने। जैसे ही पहुँचे हैं उसकी पत्नी पहले उतरी है, उसको उतारा गया तो ही वॉज अनकन्सियस। पुलिस ने कहा तुम थाने में बैठो, हम इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल लेके गए, उसको हॉस्पिटल ने ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया। इसका मतलब पुलिस जो उसके ऊपर बैठे रही दबा के, और उसका वो सांस भी नहीं ले पाया, जिसकी वजह से उसकी वहाँ डेथ होगी। बाकी उसका जो MLC जो होगी उससे पता लगेगा जो उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, लेकिन ये क्लियर है कि वो पूरी तरह स्वस्थ थे और ऐसी पोजिशन नहीं थी। जिस तरह मीडिया में भी दिखाया गया, अखबार में दिया गया, उसके खिलाफ़ कई सारे मुकदमे हैं। मैंने उस थाने के SHO तारकेश्वर सिंह जी से बात की, उनसे मुझे पता लगा उसके खिलाफ़ केवल एक ही केस था, और वो भी 186/332/353 में, जो साधारण काम में बाधा पहुंचाने वाला केस होता है, वो केस था जिसमें ये अभी इंटरिम बेल पे आया था और 1 महीने बाद इसको सरेंडर करना था। और कोई केस की इसके खिलाफ़ कोई जानकारी, SHO साहब ने कहा कि और कोई जानकारी हमें नहीं है, कोई और केस उसके खिलाफ़ है। इससे साफ जाहिर होता है कि उसकी जो डेथ है, एक तरह से हत्या है, वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है। ये बयान कल DM साहब के सामने SDM ने रिकॉर्ड किए, जिसकी कॉपी मैं लाइन लेके आया हूँ, ज़रा इनको पढ़ के सुना दो। आपके पास ये कॉपी होगी, लेकिन ये आपको पढ़ के बता देंगे, क्योंकि इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ कि जज के सामने जो बयान पहले दिया गया था उसमें और बाद में क्या स्थिति। हाँ, एक चीज़ थोड़ा इसके पढ़ने से पहले बता दूँ, पुलिस ने उस महिला को ये नहीं बताया कि तुम्हारे पति की डेथ हो चुकी है। वो बार बार थाने में पूछ रही थी मेरे पति कहाँ है, मेरे पति कहाँ, उसकी पोजीशन क्या है। पुलिस ने उसको कहा कि तुम्हारा पति ठीक है, अभी ICU में, और वो ठीक हो जाएगा। अभी एक जज आ रहे हैं रिकॉर्ड करने आपका बयान, आपको उसको ये बताना है कि भाई उसको कुछ नहीं हुआ, आपसी कहाँ सुनी हुई थी सिर्फ। अगर आप ऐसा कहोगे तो वो आपको छोड़ देंगे, और इसकी जो इंटरिम बेल है वो भी एक्सटेंड होने में आसानी रहेगी। लेकिन अगर तुमने बयान जज को सही दिया तो फिर ये इसकी बेल जो कैंसिल हो जाएगी और ये अंदर चला जाएगा, और तुम्हारे खिलाफ़ मुकदमा भी बनेगा। इस उसमें उसको पता ही उस वक्त तक ये नहीं है कि जज को जो बुलाया गया इसलिए बुलाया गया क्योंकि उसकी पति की डेथ हो चुकी है और उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है। इस बीच उसने स्पेशल जो भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो कोर्ट से आए उनके सामने वही बयान दिया कि वो कहासुनी हो गई थी इसलिए लेके आए थे और पति को हॉस्पिटल लेके गए। यानी उसको ये पता ही नहीं था बयान देते वक्त कि उसके पति की डेथ हो चुकी है, इसलिए जज को बुलाया बयान रिकॉर्ड करने के लिए। इसलिए उसने उस जज को भी यही बयान दिया कि कहासुनी हुई थी, ज़्यादा मार पिटाई बहुत ज़्यादा नहीं हुई। लेकिन जो एक्चुअल वाक्य हुआ है वो उन्होंने DM साहब की प्रेजेंस में SDM को बयान रिकॉर्ड कराया, जो मैं अभी आपके बीच में पढ़ देता हूँ। ये कॉपी आप सब लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी फिलहाल आपको। जज साहब के सामने मेरे बयान रात को 2:30 बजे के लगभग हुए थे। बयान देने से पहले पुलिस वालों ने मुझसे कहा कि हमारी ज़्यादा बुराई जज साहब के सामने मत करना,
तथा मार पिटाई की बात भी मत करना वरना उसकी पैरोल खराब हो जाएगी। तब मैंने जज साहब के आगे सिर्फ हाथापाई की बात कही क्योंकि पुलिस वालों ने मुझे कहा था कि बयान होते ही तुम्हें और तुम्हारे पति को घर भेज देंगे। इस वजह से मैं जज साहब के सामने पूरी सही बात नहीं बता पाई, बयान मैंने पुलिस के दबाव में दिया। अगले दिन मैं JTB हॉस्पिटल के घर में गई तथा अपने पति को देखकर मैं वापस आ गई। तब शाम को मैं उसी जगह अपने पति की कई स्कूली बच्चों ने वीडियो बनाया था जो मांगने के लिए अपने घर वालों के साथ मम्मी पापा आदि गई थी। भीड़ इकट्ठा हो गई, कुछ लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया, बाद में पुलिस ने जाम खुलवाया। मेरी पति की मौत पुलिस वालों की मार पिटाई की वजह से। गाड़ी में जिप्सी में पीछे बैठे 5 पुलिस वालों में से 3 लोग जो उनके ऊपर बैठकर आए थे उनकी वजह से हुई है। उन तीनों ने उसे अपने नीचे दबा लिया तथा चौथा पुलिस वाला उसे घूंसे मार रहा था, लेकिन लेडी कांस्टेबल ने मुझे पकड़ रखा था। उन तीनों पुलिस वालों को मैं पहचान सकती हूँ। इस घटना से पहले मेरे पति को कोई बीमारी नहीं थी तथा वो पूरी तरह स्वस्थ थे। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि उसकी पत्नी चश्मदीद गवाह है। पूरी घटनाक्रम के समय वो मौके पर मौजूद थी। पुलिस वालों ने जब उसको जिप्सी में ले जा रहे उस वक्त वो जिप्सी के अंदर मौजूद थी और जिप्सी में उसने किस तरीके से बताया है कि 3 पुलिस वाले उसको ज़मीन पर लिटा के उसके ऊपर बैठे और चौथा लगातार उसके ऊपर मारा। यह अमानवीय है। अगर लेकिन जिस तरीके से कुछ अखबारों के अंदर और कुछ TV चैनल्स के अंदर ये लगातार खबर चलाने की कोशिश की गई पुलिस वालों के ज़रिए कि वो एक क्रिमिनल था और क्रिमिनल था ये एंगल देने की कोशिश की गई, तो मैं दिल्ली के पुलिस कमिश्नर साहब से जो मोदी जी के इशारे पर काम करते हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का कोई भी अगर आदमी अगर नागरिक है भले ही वो क्रिमिनल हो तो उसको जान से मारने का अधिकार पुलिस के पास नहीं है। ये फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ इज अ फंडामेंटल राइट। और ये तो अंडर ट्रायल था एक तरीके से अगर हम कह सकते हैं, उसको इंटरिम बेल मिली हुई थी। तो जिस तरीके से पूरे मामले को रंग देने की कोशिश की गई है ये अपने आप में घृणित है, निंदनीय है। और जिस तरीके से पूरे मामले को लिपापता करने की कोशिश की गई है जो उसकी पत्नी का बयान है बिल्कुल स्पष्ट करता है कि कैसे उसके सामने उसके पति की हत्या की गई और उसको गुमराह किया गया और पूरे मामले को एक अलग रंग देने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों ये पूरा जो घटनाक्रम है वो मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी के लिए चौंकाने वाला होगा। पिछले कई महीने से जो दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है वो कॉम्प्रोमाइज है। आप देख रहे हैं कि मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ, कहता हूँ कि पुलिस की हरकतों की वजह से जनता और पुलिस के बीच जो विश्वास का अंतर है वो बढ़ता जा रहा है, गहराता जा रहा है। जिन हाथों में हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो हाथ अगर जान लेने लगें तो आतंकवादियों में और उन जान लेने वाले हाथों में क्या फ़र्क है, ये सोचने वाला विषय है। मैं आपसे सभी मीडिया के साथियों से गुजारिश करूँगा कि इस तरह के केसेस के ऊपर आपका आपकी पैनी नज़र होनी चाहिए, आपकी तवज्जो होनी चाहिए और पूरी जिम्मेदारी के साथ आप लोग ऐसे केसेस को अगर नहीं उठाएंगे तो आने वाले वक्त में इस व्यवस्था से, इस सिस्टम से न्याय की उम्मीद करना लगभग हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। आप देखिए कि इन घटनाओं के होने के बावजूद किसी भी किस्म के विशेष प्रयास पुलिस व्यवस्था द्वारा, मोदी जी की पुलिस द्वारा नहीं दिखाई दे रही। ऐसा कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से स्ट्रेस डेफिसिट को ख़त्म किया जा सके। हम बार बार लगातार कहते आ रहे हैं कि अन्य राज्यों की पुलिस उनके राज्य की सरकारों के अधीन है, लेकिन माननीय मोदी जी के अधीन दिल्ली की पुलिस है। MHA अपने इंस्ट्रक्शंस पे, अपने इशारे पे इस पुलिस को चलाता है, इस व्यवस्था को चलाता है। यहाँ तो उनकी जिम्मेदारी दोगुनी चारगुनी हो जाती है और कम से कम केंद्र सरकार को एक्सप्लिसिट तरीके से दिखाई देना चाहिए जनता के सामने, कोई योजना बनाते हुए, कोई प्लान बनाते हुए, जनता को समझाते हुए कि नहीं हमने ये 1, 2, 3, 4, 5 चीज़ें कर दी हैं जिससे आप पहले से ज़्यादा सुरक्षित महसूस करोगे। दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है कि इस तरह के प्रयास होते हुए नहीं दिख रहे हैं। जनता भगवान भरोसे बैठी है ऐसा जान पड़ता है, ऐसा मालूम पड़ता है।
कि अब जो फंडामेंटल राइट टू लिव है वो भी कॉम्प्रोमाइज होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह के मामलों में और ऐसे तमाम मामले जो अब तक हुए हैं, आप सबसे निवेदन है कि उन सारे मामलों को खोलिए, खोदिए, और जिस प्रकार आप हमसे तीखे सवाल करते हैं, चुभने वाले सवाल करते हैं, जिम्मेदार लोगों को अपने सवालों के कटघरे में खड़ा कीजिए, उन्हें उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराइए और इस सीमा तक लेकर जाइए कि कोई भी पुलिस वाला इस तरह की गलती करने की जरूरत न कर सके, ऐसी सज़ा मिले, ये आप अपने ज़रिए जन जन तक पहुँचा कर सुनिश्चित करवाइए।